अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ए बी न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमीन बड़ेच और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नमाली यूनिवर्सिटी में। और जैसे आपको पता है कि बलूचिस्तान यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया गया, अपने वॉलंटियर्स को अप्रिशिएट करना और उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो मेहनत है, उसको सराहना। हमेशा से बलूचिस्तान यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी का एक इकदाम रहा है कि वो माशरे के एक मस्बत चेहरे को सामने लाते हैं। इसी हवाले से हम आपको आज अपने नौजवानों से, बलूचिस्तान की यूथ से मिलाते हैं कि वो इस एप्रिसिएशन अवार्ड में पार्टिसिपेट के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और आज इनको अवार्ड से नवाजा गया है बलूचिस्तान यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी की जानिब से, तो उनको कैसा महसूस हो रहा है और ये लोग मज़ीद अपने आप को, अपने टैलेंट को किस तरह दिखाना चाहते हैं, इस हवाले से आइए मेरे साथ रहिए। कुबरा है और आज मैं शुक्रगुजार हूँ बायस की, उन्होंने मुझे एप्रिसिएशन अवार्ड दिया एंड आई एम द फर्स्ट फीमेल बैक ग्रेजुएट ऑफ बलूचिस्तान। सो एज़ यू ऑल नो दैट आज मुझे एप्रिसिएशन अवार्ड मिली है, तो इससे ये होगा कि मुझे और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी कि मैंने सोसाइटी में उस गेटअप को छोड़ के बॉयज़ का गेटअप अटैम कर लिया, क्योंकि यहाँ पर वो माइंड सेट ही नहीं है, वो एक्सेप्टेंस नहीं है बलूचिस्तान। तो अब इतने तक तो मैं पहुँच गई और मेरा आगे ये कोशिश है कि हम गर्ल्स को भी इस फील्ड की तरफ ले आएँ और उसके अलावा जो है गर्ल्स जो है अपनी एजुकेशन को रिसोर्सेज की वजह से लीव ना करें, कि उनको प्लेटफॉर्म्स दिए जाएँ कि वो गर्ल्स जो है आगे जाएँ और अपनी स्टडीज़ को जो है कंटिन्यू कर सकें किसी भी तरह से, चाहे वो बाइक चलाना हो या आज का जो इवेंट था वो बलूचिस्तान यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी की जानिब से हमने रखा हुआ था। इस इवेंट का हमारा मकसद था, हमारे जो हर सारे एक्टिविटीज़ कराते हैं जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ लोग ताउन करते हैं, हर इवेंट में हमें सपोर्ट करते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए इवेंट कराया था जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, यूथ एक्टिविस्ट थे, मीडिया से लोग थे और इसके साथ साथ सिंगर्स थे, थिएटर परफॉर्मर थे। इन सबको हमने इसलिए बुलाया कि जब जब भी हमने किसी तरह का भी एक्टिविटी करना हो, इवेंट करना हो, तो ये लोग हाजिर हो जाते हैं और हम सबको जो है हमारे लिए अच्छे परफॉर्मेंस भी देते हैं और अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करने में अपना किरदार अदा करते हैं। आज में हमारे साथ ज़िला इंतजामिया भी थी, हम उनके भी मशहूर है, डिप्टी कमिश्नर शेख बलोच साहब, डिप्टी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान के स्टाफ औरंगज़ेब बादिनी साहब थे और मुख्तलिफ जो गेस्ट थे वो आए थे, उन सब ने इस इवेंट में शिरकत किया, हम उनके भी मशहूर हैं। स्पेशली जो ए बी न्यूज़ और वॉइस ऑफ विजर्ड अकेडमी, इनकी भी टीम का भी मशहूर है कि हमेशा उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, इवेंट में हमारे साथ आते हैं और आज के भी इवेंट को उन्होंने हमारे साथ कामयाब बनाया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयदा शबाना शाह है और आज बलूचिस्तान यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी की तरफ से निमल यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें ये हमारे अवार्डीज़ जो जिन्होंने बलूचिस्तान यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी में काम किए हैं उन सबको अवार्ड्स मिले। और मेरे सिस्टर्स ब्रदर से ये पैगाम है कि आप लोग आए, अपना हुनर दिखाएं, इस फील्ड में हिस्सा लें, अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इवेंट में मेहमान खास बाबर यूसुफ जई, कोऑर्डिनेटर सीएम बलूचिस्तान, डिप्टी कमिश्नर शेख बलोच, औरंगज़ेब बादिनी साहब, मिस गजाला याकू और दीगर ने इवेंट में शिरकत करके नौजवानों को सराहा। इरादे जिसके पुख्ता हो, नज़रें जिसकी खुदा पर, तलातम खेज मौजों से वो घबरा या नहीं करते। नाज़रीन, जैसे आपने देखा ये हमारी यूथ, हमारी टैलेंट, हमारी फ़ख्र जो यहाँ पे आज अवार्ड से उनको नवाजा गया है, मैं अपने तमाम गवर्नमेंट इदारों से और एनजीओ से ये इल्तिजा करना चाहूँगा कि वो भी अपने बलूचिस्तान के यूथ की टैलेंट को जाने और उन पर काम करें, उनको सामने लाए और उनको अप्रिशिएट किया जाए। कैमरामैन समी खान के साथ ए बी न्यूज़ कोटा।